हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे डेडपूल यानी कि मर्स विद द माउथ का वेनम सिम्बियोट के साथ मर्ज होना और एक दूसरे पैरासाइट के साथ फाइट करना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो कि एडल्ट्स तो समझ पाएंगे लेकिन छोटे बच्चे नहीं, तो दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाले और सिर्फ कॉमिक एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक पैरासाइट टैप वर्म को एक एप्पल में से बाहर निकलते हुए, और हम लोग आगे देखते हैं कि वो एप्पल किसी और ने नहीं बल्कि डेडपूल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो एक उल्लू से बात कर रहा था। हाँ, उल्लू से, क्योंकि डेडपूल से तो सभी वाकिफ ही होंगे और वो और उसकी हरकतों से भी, तो उसका उल्लू के साथ बात करना इतना कुछ अजीब नहीं माना जाएगा। आगे वो टैप वर्म देखकर कुछ समझता है और एक जगह की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो चलो कुछ हीरोइक काम करते हैं। और वो एक लैब के अंदर पहुंचता है और जाते वक्त वो कहता है, लगता है ये नॉटी डॉग अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। क्या मैं इन्हें डॉक्टर बुलाऊं या फिर पैरासाइटोलॉजिस्ट, कोई बात नहीं। आर्गुमेंटेड बायोलॉजिकल सिम्बियोट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये रैकेट तो काफी मशहूर चल रहा है अभी। और तभी हम देखते हैं कि उस लैब में कुछ स्पेसिमेंस रखे हुए थे जो कि सिम्बियोट के फॉर्म में बॉन्ड होने के लिए तैयार थे। और तभी डेडपूल को एक आदमी दिखता है अंधेरे में से आते हुए और उसे देखकर वो कहता है, डॉक्टर स्कॉट, लगता है आपकी जीप आपकी बिल्ली ले गई। और तभी हम देखते हैं कि उन सभी के मुंह में से टैप वॉर्म्स बाहर आ रही थी। इतना देखते ही डेडपूल हमेशा की तरह झुक मारते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं इस बार आपको किस नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे रूल लिस्ट के खिलाफ है। पहली डेट पर मैं कभी किस नहीं करता। और वो उन तीनों के सर उड़ा देता है अपनी कटाना से, लेकिन उनके सर उनके टैप वॉर्म्स फिर से अपनी जगह पर रख देते हैं और उन तीनों को ही हील कर देते हैं। यहाँ पर वो तीनों कहते हैं, तुम हमें काटो तोड़ो जला दो लेकिन फिर भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेपन्स बनकर रहेंगे और हम परफेक्ट सिम्बियोट बॉन्ड है मैन और पैरासाइट के बीच में, और अब तुम हमारे नौकर बनोगे और हम तुम्हारे मास्टर्स। इस पर डेडपूल उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये टूर तो काफी मजेदार होने वाला है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छे बच्चों की तरह अपने अपने जार्स में वापस जाओ टैप वॉर्म्स। लेकिन डेडपूल पर वो तीनों ही अटैक कर देते हैं अपने टैप वॉर्म्स के साथ। इस पर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, सूट पर नहीं क्योंकि मैंने अभी भी इसे ड्राई क्लीन किया है, फिर से नहीं। लेकिन तब तक वो सारे टैप वॉर्म्स उस पर हमला कर चुके थे और वो तीनों ही उसे उठाकर एक तरफ ले जाने लगते हैं, जिस पर डेडपूल कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर हैंड्स, आपका हाथ गलत जगह लग रहा है, मेरे बैक डोर को छूना बंद करो, ये बैड टच देना अच्छी बात नहीं है। और तभी उसे वेनम सिम्बियोट दिखता है एक जार में, जहाँ पर उसे देखते ही वो उसे कहता है, हेलो माय फ्रेंड डार्कनेस, तो फिर से तुम्हारे साथ बॉन्ड होने का चांस मिल ही गया। और तभी वो उस जार को तोड़कर सिम्बियोट को बाहर निकालकर अपने साथ बॉन्ड कर देता है। और तभी वहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तब हम देखते हैं डेडपूल को अपने वेनम पूल अंदाज में, और तब वो कहता है, तो अब ये बात है जिस बारे में मैं बात कर रहा था। और वो अपने शरीर से उन टैप वॉर्म्स को एक एक करके बाहर निकालने लगता है और एक टैप वॉर्म को अपने टंग से पकड़ते हुए कहता है, तो अब तुम्हारे लिए जगह नहीं बची इसलिए यहाँ से बाहर जाओ, और उसे मार देता है। और सभी को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है और कहता है, कुछ अंडे अभी भी दिमाग में है लगता है तो इन अंडों को फोड़ देते हैं, तो चलो कुछ हीरोइक काम करते हैं। और वो तीनों को ही मारने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक का मुंह नीचे जमीन पर गिर चुका था और वो कह रहा था, हम रिलीज हो चुके हैं, हम लीजन है, तुम हमें मार नहीं सकते। लेकिन डेडपूल उस सर को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए कहता है, अब चुपचाप नींद में जाओ खर्राटे भरते हुए अपना मुंह बंद करके, समझे। और तभी वो सारे टैप वॉर्म्स को एक जगह इकट्ठा करके देख ही रहा था कि तभी उसे स्टेट मैराक्रेड हॉस्पिटल का लेबल दिखता है और उसे लगता है कि वहां पर भी कुछ गड़बड़ है। और वो कहता है, तो लगता है कि अभी भी कुछ पैरासाइट्स बचे हैं अपने न्यू होस्ट की तलाश में, तो चलिए कुछ बैड गाइज को मार कराते हैं। लेकिन उससे पहले एक पिट स्टॉप, और तभी हम देखते हैं कि वो अपने पिट स्टॉप के लिए अपने कमोड पर बैठकर कह रहा था कि चलो कुछ पैरासाइट नीचे चले गए। आगे अपना काम खत्म करने के बाद वो बढ़ता है हॉस्पिटल की तरफ, और उस हॉस्पिटल के अंदर हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कर रहे थे, जहाँ पर एक डॉक्टर कह रहा था, हम विटनेस बनने वाले हैं उस हिस्ट्री के जो कि पैरासाइट लिवर हाइब्रिड ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर होगी, और यही फ्यूचर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। और इसी हफ्ते मैंने पैरासाइट हार्ट, पैरासाइट लंग्स और पैरासाइट, आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले ही डेडपूल अपने हीरो अंदाज में दरवाजा तोड़ते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, ट्रांसप्लांट रोक दो। लेकिन इससे पहले ही ट्रांसप्लांट हो चुका था, जिस पर वो कहता है, नहीं इस बार देर हो गई। और तब हम देखते हैं उस होस्ट को यानी कि उस पेशेंट को जिसके ऊपर वो पैरासाइट ऑर्गन लगा हुआ था, वो अब उन्हीं में से एक बन चुका था और वो कह रहा था कि हम लीजन है,
हमें ज्वाइन करो, जिस पर वो कहता है, माफ करना लेकिन मेरे ऊपर पहले से ही एक पैरासाइट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले सकता, मेरे पास जगह कम है। और रही तुम्हारी बात, तो सी में बहुत सारे है जो कि तुम्हारे साथ वार्म वार्म खेलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वो ऑर्गन अपने होश से बाहर निकलकर डेडपूल पर अटैक कर देता है और डेडपूल को अपने पैरासाइट यानी कि वेनम सिम्बियोट से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन डेडपूल वहीं पर पड़ी एक चीज के साथ खुद को शॉक देता है और उन टैप वॉर्म्स को अपने से दूर कर देता है। लेकिन वो टैप वॉर्म्स अपने होस्ट के पास फिर से जाकर उसके साथ मर्ज हो जाती है और डेडपूल भी अपना यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उठाकर कहता है, तुम अपने मीट सूट के साथ यहाँ पर वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस तरह आधी अधूरी बात छोड़कर नहीं जाते और वो आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर सारे ही लोग जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए आए थे, वो सभी लोग पैरासाइट के साथ मर्ज हो चुके थे और वो सभी मिलकर डेडपूल पर हमला करते हैं और साथ ही साथ डेडपूल के शरीर में सारे के सारे टैपवॉर्म्स पैरासाइट घुसा देते हैं, जिस पर डेडपूल कहता है, तुमने ये हम क्या लगा रखा है, यहाँ पर सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि टैपवॉर्म्स एक ऑर्गन को अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वो उसे पूरा चपेट में लेते ही है कि तभी वेनम सिम्बियोट आकर उन पैरासाइट्स को तो मार ही देता है, साथ ही साथ उस ऑर्गन को भी सिक्योर कर लेता है। यहाँ पर अपने वेनम सिम्बियोट के साथ बैक टू फॉर्म आकर वो कहता है, तो चलो कुछ हीरोइक काम करते हैं, और वो उन सभी टैपवॉर्म्स को मारने लगता है जो कि एक लेडी को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वो देखता है कि बाकी बचे हुए वो होस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो वो एक एक करके उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लेता है जो कि पैरासाइट के साथ मर्ज हो चुके थे और उनको फोड़ कर काट कर या फिर तोड़ कर फेंक देता है और कहता है, आखिरकार काम कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर वो लेडी ये समझ लेती है कि वो भी एक पैरासाइट है और वो एक कटर डेडपूल के हाथ पे चला देती है, इसी के साथ डेडपूल का हाथ टूट जाता है। लेकिन डेडपूल कहता है, लेडी तुम्हारे साथ डैमेज क्या हुआ है, मैं अच्छा आदमी हूँ। लेकिन उसे देखकर वो वहां से भाग जाती है चिल्लाते हुए, जिस पर डेडपूल कहता है, आजकल की औरतों को हो क्या गया है, सिंपल थैंक यू भी नहीं, वेट आई लव यू भी नहीं, वेट मुझे पकड़ो भी नहीं और वेट धीरे करो ये भी नहीं, लगता है मुझे अपना काम आगे बढ़ाना होगा। और अपना हाथ मर्ज करते हुए आगे बढ़ता है और आगे हम देख सकते हैं डेडपूल की कुछ बेवकूफाना हरकतें, जहाँ पर एक बच्ची की डिलीवरी करते हुए वो उसके माता पिता से कहता है, कांग्रेचुलेशंस लड़की हुई है। यहाँ पर कुछ बच्चों को टैपवॉर्म्स का बलून फुलाकर वो देते हुए कहता है, रो मत ये रहा तुम्हारा बलून। और एक व्हीलचेयर पर एक आदमी के साथ उन टैपवॉर्म्स को मारकर वो उस आदमी को बेड पर लेटाता है और आगे वो बाहर देखते हुए कहता है, तो आखिरकार मैंने पूरे दिन को बचा लिया, मैंने पूरी दुनिया को बचा लिया, तो ये काम यहीं पर खत्म होता है। और वो उस खिड़की से बाहर निकलता ही है ये कहते हुए कि अब हम फ्री है। लेकिन तभी वो उस वेनम डायमेंशन में खींचने लगता है और वो जैसे ही खींचने लगता है डेडपूल सारे ऑडियंस से कहता है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिरी बार टॉयलेट फ्लश किसने किया था। और इसी के साथ वो उस डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरी तरफ, वो टेलीपोर्ट होते ही नीचे गिरते हुए कहता है, तो मुझे एक वजह बताओ, सिर्फ एक वजह कि मैं तुम्हारा सर उखाड़ कर खुद खा क्यों ना जाऊं। लेकिन तब हम देखते हैं कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हमारे पास लड़ने के लिए एक वॉर है और हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर डेडपूल कहता है, तो अगर तुम मुझे इतना कह ही रहे हो सर्जन, तो मैं तुम्हारे साथ साइन अप करने के लिए तैयार हूँ। और तब हम देखते हैं वहाँ पर कैप्टन अमेरिका डेडपूल को लेने के लिए आया था, जिस पर वो कहता है, सर्जन नहीं कैप्टन। और इसी के साथ ये वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।